हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। हम भी अच्छे ही हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ पौधे। सुबह सुबह उठ के ना पेड़ पौधे को देखना, पेड़ पौधों को देखना कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल हरा हरा अच्छा लग रहा है ना। ये तो हमारे घर के, मतलब घर का ही है, घर के वो देख ही सकते हैं आप सब कितना अच्छा लगता है। और ये देखिए साग है, ये मतलब हमारे जो वॉल है ना, बाउंड्री वॉल के अंदर ही है, दिखाई होगा आप सबने। यहाँ पे ना साग भी उगाता है, तो मैं वहीं से दो चार साग ले लेती हूँ, जो भृंगराज वगैरह होता है ना, वो सब्जी खाते हैं हम, अच्छा लगता है भाजी। खत्म हो गया, खत्म खत्म खत्म। ची ची ची, अंगली खा मुझे पाई। ची ची चिप 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 को दसे टांग को चिप। देखिए दोस्तों, पाही क्या कर रही है, उंगली चाट रही है। चिप्स खाया था अभी तो वही उंगली चाट रही है। वो चिप्स का पैकेट फेंक दिया, खत्म हो गया तो उंगली चाट रही है। और देखिए क्या क्या लटका रखा है गले में। ये है बजाने वाला, बजता है इससे। और ये मेरे मेरा मेरे मैं मेरा क्या क्या बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है। उल्टा पुल्टा हो जाता है, देखिए मतलब प्रैक्टिस नहीं है ना हिंदी बोलने का। तो देखिए छूने भी नहीं दे रहे। देखिए ये मेरा माला है ना, मैं पहन रही थी तो वो मतलब मुझसे ले गई है। बोल रही थी मैं पहनूंगी, मेरा माला दे दो दे दो। तो ज़बरदस्ती मतलब खींच तान के फिर देना ही पड़ा उसको, दे दिया। और वो पहन रही है अभी, थोड़ी देर के लिए पहनेगी, उसके बाद निकाल के पता नहीं कहाँ फेंक देगी। और आज देखिए मैंने बाल अच्छे से बांध दिया था फिर से कल के जैसे ही, और देखिए क्या कर दिया, बाल काटने नहीं दे रही है। और अभी सर्दी भी है तो ज़बरदस्ती किया भी नहीं है, अभी देखते हैं अगर मान जाती है तो फिर कटवा देना पड़ेगा। ज़्यादा लंबे बाल हो जाते तो छोटी बच्ची खिचड़ी हो जाता है ना। और देखिए आ जा आ गई अभी, हाथ धोना अलग है, हाथ पाली खाब लगे ना। मुने मुने हाय कह दिया, माही हाय कह दिया, पहले सार पहले कह दिया हाय। ओ माही हाय कह दिया, हाय हो दिया, हाय कह दिया, हाय कह दिया। चुमुरा दे दिया, चुमा भल के दिया, वाह चुम भल के दिया, वाह भल के, वाह बे पाबो न होय, माही साय से बे पाबो, चुमा हाय कह दिया, हाय कह दिया, हाय माम खाला कह दिया, माम खाला बाल के को डागर के को मम खला खला। देखिए इसका मस्ती कैसे मस्ती कर रही है, देखते रहिए दोस्तों। मैं काम वाम कर लेती हूँ, बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही दिन कट जाता है काम करके, पाई के साथ थोड़ा खेल के हंस बोल के। मुनु टाटा एफले मुनु, ये देखिए दोस्तों पाही का मस्ती। देखिए खेल रही है डॉल के साथ, डॉल का कपड़ा वगैरह पता नहीं कहाँ फेंक दिया, और गाड़ी में बैठ के खेल रही है। देखिए अब भी गिर जाएगी, कान में खुजली हो रहा होगा। देखिए कान चिल्ला खुजा रही है। कितने अच्छे से खेल रही है, देखिए परेशानी नहीं करती। कभी कभी भूख लगता है तभी थोड़ा रोती है, नहीं तो नहीं रोती है। तो कितने अच्छे से खेल रही है, उधर मुंह करके बैठी है, इधर दिखाई नहीं दे रहा है। और देखिए बाहर कितना अच्छा धूप है, और हमारे यहाँ ना अंदर थोड़ा मतलब
कैसा अंदर की तरफ है ना, तो पीछे पीछे की तरफ है ना, तो मतलब दरवाज़ा, तो इसलिए अमरूद धूप नहीं आता है। वैसे थोड़ा बाहर निकले तो मतलब धूप ही धूप है। अब इधर बिल्कुल बिल्कुल भी धूप नहीं आ रहा है। और वो देखिए मिट्टी भी कितना मतलब कच्चा है। धूप मतलब रेगुलर अगर धूप आता है ना तो सूखा सूखा होता है, कच्ची मिट्टी भी सूखी होती है। अभी धूप की वजह से ऐसा हो रहा है, इसीलिए चप्पल तो हम उतार ही नहीं सकते। पाही कभी कभी नहीं पहनती चप्पल, पर फिर भी ज़बरदस्ती पहनाना ही पड़ता है। तो अभी वो खेलने में मस्त है। अभी मेरे काम भी बहुत सारे पड़े थे, मैंने मोजे निकाल के रखे थे तो वो लेके आए। सी धुब लगे और मतलब धुब लगे ना मुझे धुब लगे सिकटा इतना थो दिया लेतरा कपड़ा थो दिया ये लेतरा कपड़ा थो दिया ये लेतरा कपड़ा। तो देखिए मैंने कितने सारे कपड़े जमा करके रखे हैं धोने के लिए। धोई नहीं हूँ मैं, अभी धोऊंगी। अभी 10:30 हो गया है, अभी धोऊंगी। लाइट नहीं है इसलिए बैठी हूँ मैं। पानी तो रखा है ड्रम में, लेकिन वो पानी से ना बहुत बहुत ही ज़्यादा ठंडा है वो पानी। फिर सर्दी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, फिर मुझे हो जाएगा, फिर पाई को भी हो सकता है ना, तो इसीलिए मतलब मन नहीं करता। और ठंड में बहुत ज़्यादा लगता है, कपड़े धोने में तो टाइम लग ही जाता है। तो मैंने इसे रख दिया है जमा करके, फिर बाद में धोऊंगी लाइट आएगा तो। धूप तो आ ही रहा है, आज नहीं भी सूखेगा तो भी कोई बात नहीं, कल तक सूख ही जाएगा। और वो मैंने मोजे उतार के लाए थे, रखे थे, वो लेके आई। देखिए ऐसे ही दिन कट रहा है अभी पाही के साथ। दिन में तो सुबह शाम तो होते हैं, लोग होते हैं, चारों ही होते हैं घर में, और कभी कभी कोई मेहमान वगैरह भी आ जाते हैं। देखिए मेरे पीछे से मेरा उंगली आ रहा था कैमरे में, अच्छे से पकड़, मतलब अभी नई नई हूँ ना तो नहीं आता कैसे वीडियो करते हैं, कैसे पकड़ते हैं, क्या करते हैं। वैसे तो नॉर्मली फ़ोटो वगैरह जो है कैमरे से वो तो खींचते ही हैं, पर जैसे वीडियो वगैरह पहली बार तो नहीं, अभी हो गया हफ्ता 15 दिन तो हो ही गए, पर फिर भी मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ ना मैं, तो ऐसा हो जाता है गलती छोटी मोटी, तो माफ़ कर दीजिएगा सबको, गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा, और धीरे धीरे शायद सीख भी जाऊँगी। तो देखिए ये क्या कर रही है, वो गंदे मोजों को मैंने उतार के रखा था और वो उसका भी था, वो ले जाके वहाँ रख रही है, शायद कपड़े धो रही है, कुछ कर रही है, कपड़े धो रही है। और मेरे ना पेट में थोड़ा दर्द भी हो रहा था, तो मुझे हिलने का मन भी नहीं कर रहा है, मैं यहीं पर बैठी बैठी कर रही हूँ। देखिए वो क्या कर रही है, मस्ती। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं देखती हूँ थोड़ी देर बाद लाइट आता है तो फिर कपड़े वगैरह धोती हूँ, काम है और वो काम सब करती हूँ, काम वगैरह करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। देखते रहिएगा, हमें बने रहिए हमारे साथ। रो 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 याद कनेक्शन करीब लगे बोट सुन टिकले बोट सुन मनिया। देखिए पूरा दिन खेल रही थी, नहीं सोई थी, बिल्कुल भी नहीं सोई थी, पूरा दिन खेलती रहती है आजकल। और अभी देखिए कितना चैन से सो रही है, देखिए मज़े से सो रही है। अभी अभी उठा के, अभी थोड़ी देर सोएगी, फिर उसके बाद उसको उठा के खाना खिलाना होगा। देखिए कितने अच्छे से सो रही है अभी, मस्त से। चावल को अच्छे से मतलब साफ के झाड़ के रख दिया है यहाँ पे। अभी ये साग को ना मैंने अच्छे से मतलब पानी में करके उबाल के रख दिया है। उबालना तो नहीं चाहिए, अभी पानी बहुत ज़्यादा उबाला नहीं है मैंने। साग को मतलब डाल गैस पे चढ़ा के जो पानी निकलता है ना एक्स्ट्रा, उसको फेंक दिया है। अभी उसको तड़का लगा के मतलब भुनेंगे तो फिर अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसे भी बनाती हूँ मैं। तो ये साग है और आलू है के बगल में रखा है चाय का गर्मा गर्म कप, तो अभी मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद ही अपने काम में लगूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी चाय बना के लेके आई थी, तो चाय पी रही हूँ।
और देखिए बाहर कितना अंधेरा है, अंधेरा तो नहीं है मतलब यहाँ से अंधेरा दिख रहा है, वो बांस का वो दीवार है ना वो दिख रहा है, बाहर का लाइट जल रहा है वो दिख रहा है। देखिए तो अभी सोचा कि और अभी ध्रुव घर में नहीं है, अभी एक माचिस का ना एक ही तीली था तो मैंने उसी से गैस चला के चाय बना लिया, तो अभी रात को खाना कैसे बनेगा, और सुबह सुबह तो 6-7 बजे दुकान खुलेगा नहीं, तो फिर ध्रुव से मैंने कहा कि जाके माचिस लेके, तो उसको मैंने भेजा है माचिस लाने, ज़्यादा दूर नहीं है पास ही में ही है, बस 2-4 घर के घर मतलब क्रॉस करते ही दुकान आ जाता है, दुकानें हैं बहुत सारी दुकानें हैं, तो मैंने उसको बोला जा माचिस लेके, और अभी ज़्यादा रात हुआ नहीं है 5-6, 5:30 ऐसे ही हुआ होगा, तो मैंने उसको दुकान भेज दिया, बहुत भी आता ही होगा, तो फटाफट मैं चाय बना लेती हूँ, चाय तो बना ही लिया है, दिखाया ही आप लोग सबको, तो चाय पी के फिर खाना बनाऊँगी, पाही अभी मस्त सो ही रही है, तो वो आएगा ध्रुव फिर मैं खाना बनाऊँगी, तब तक चाय पी लेती हूँ, तो फिर मैं वीडियो को यहीं पे एंड भी कर लेती हूँ आज, और ठंड भी बहुत लग रहा है अभी, मतलब ऐसा रूम है तो पता है चल ही जाएगा, मतलब बाहर का जो हवा आता है ना वो ठंडी ठंडी हवा आता है अंदर, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, तो ऐसा ही है अभी क्या करें। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो मैं भी एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, टाटा गुड नाइट, अच्छे से रहिएगा, हम भी अच्छे से रहेंगे, गुड नाइट।